أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي। आज हम डिस्कस करेंगे जनरल फार्माकोलॉजी स्टार्ट करेंगे और जनरल फार्माकोलॉजी में हम शॉर्ट ट्रिक पे हम आल मतलब जितने भी लेक्चर होंगे वो शॉर्ट ट्रिक पे होंगे और जो सिस्टमेटिक फार्माकोलॉजी जो हमने स्टार्ट की है वो डिटेल में होगी और जो जनरल फार्माकोलॉजी है वो शॉर्ट ट्रिक पे होगी। कैसे तो आप देखते रहिए कि सबसे पहले हम आपने फार्माकोलॉजी की सबसे पहले आपने फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन करनी है। तो फार्माकोलॉजी क्या है? इट रेफर टू द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। इसमें हम उन चीज़ों की स्टडी करते इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस। ठीक था? नो, इट रेफर टू द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस दैट कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन। इट रेफर उसमें हम ये स्टडी उन सब्सटेंसेस की स्टडी करते हैं दैट कंपाउंडिंग एंड डिस्पेंसिंग ऑफ मेडिसिन जो यूज़ होते हैं मेडिसिन में इंटरेक्ट विद लिविंग सिस्टम। उसकी इंटरेक्शन क्या होती है लिविंग सिस्टम के साथ थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस के दौरान। तो इन सब्सटेंसेस की स्टडी को हम ही कहते हैं फार्माकोलॉजी, या हम शॉर्ट भी कह सकते हैं फार्मा मीन्स फार्मेसी, ड्रग, कॉलेजी मीन्स स्टडी, टू स्टडी द ड्रग या टू स्टडी द मेडिसिन इज कॉल्ड फार्माकोलॉजी। पोसोलॉजी क्या कहते हैं? इट इज़ द ब्रांच ऑफ फार्माकोलॉजी विच डील विद क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। पोसोलॉजी एक ब्रांच है फार्माकोलॉजी के जिसमें हम स्टडी करते हैं क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। देन क्लिनिकल फार्माकोलॉजी क्या है? इट रेफर टू द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस डोजेस ऑफ ड्रग। इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की जो डोजेस हैं वो दैट इंटरेक्ट विद ह्यूमन सिस्टम, जो कि इंटरेक्ट करते हैं ह्यूमन सिस्टम से ऑल ओवर द बायोकेमिकल प्रोसेस में। इट रेफर टू द स्टडी ऑफ सब्सटेंसेस डोजेस ऑफ ड्रग्स दैट इंटरेक्ट विद द ह्यूमन सिस्टम थ्रू द बायोकेमिकल प्रोसेस। अब फर्दर जनरल फार्माकोलॉजी में है एक फार्मेकोडाइनेमिक्स और सेकेंड है फार्मेकोकाइनेटिक्स। उसको शॉर्ट उसकी डिफिनेशन और उसके एग्जांपल डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज़ फार्माकोडायनेमिक्स? फार्माकोडायनेमिक्स कैसे कहते हैं? व्हाट ड्रग्स टू द बॉडी, यानी ड्रग बॉडी के साथ क्या करता है, जो ड्रग बॉडी के साथ हशर नशर करती है उसे कहती है फार्माकोडायनेमिक्स। इज़ द नेम इंडिकेट जब फार्माकोडायनेमिक्स आर ODY, तो आपने समझना है ODY किस में आता है? बॉडी में, यानी ड्रग की जो इंटरेक्शन है, जो हशर है, जो डस है बॉडी के साथ, उसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। इट इज़ द स्टडी ऑफ बायोकेमिकल एंड फिजियोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ ड्रग एज वेल एज देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। इसमें हम किस चीज़ को स्टडी करते हैं? बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफेक्ट है उस ड्रग्स की, जो असरात है ऑफ ड्रग एज वेल और उसकी उस ड्रग्स की जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है यानी MOA है, उसको स्टडी करने को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। सिंपल, ड्रग जो हशर नशर करती, जो इंटरेक्शन करती है, जो जो कुछ तोड़ फोड़ वगैरह करती है किस चीज़ के साथ? बॉडी के साथ, इसे हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक। और इसी चीज़ में हम स्टडी करते हैं बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल इफ़ेक्ट किस चीज़ की, ड्रग की, किस के साथ? बॉडी के साथ, और बॉडी में उसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को स्टडी करने को हम कहते हैं फार्माकोडायनेमिक्स। सेकेंड वन फार्माकोकाइनेटिक्स है। इज द नेम इंडिकेट व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, क्या व्हाट बॉडी डज टू द ड्रग, यानी जो ड्रग का, फार्मेको में के आता है तो यहाँ का, जो ड्रग का अपना हशर नशर होता है यानी जो ड्रग की जो तोड़ पोड़ होती है, काइनेटिक्स मोशन, जो वो बॉडी में मोशन करता है, तो इसी को हम कहते हैं फार्माकोकाइनेटिक्स। उसकी जो एग्जांपल है वो आपने याद करने हैं, एकेडमी। इज़ द नेम इंडिकेट एकेडमी, AKADME। ए फॉर एब्जॉर्प्शन, उसकी जो एब्जॉर्प्शन होती है बॉडी फार्माकोलॉजी में हम ये डिस्कस करते हैं उसकी ड्रग की जो एब्जॉर्प्शन सबसे पहले। सेकंड वन के,
यानी फार्मेकोकाइनेटिक्स उसकी होती हैं। डी डिस्ट्रीब्यूशन, ड्रग की जो डिस्ट्रीब्यूशन है। एम ड्रग की जो मेटाबॉलिज्म है। एंड ई ड्रग की जो एक्सक्रीशन है। तो ये फार्मेकोकाइनेटिक फर्दर क्लासिफाइड है, यानी फार्मेकोकाइनेटिक क्लासिफाई है एब्जॉर्प्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, मेटाबॉलिज्म में एंड एक्सक्रीशन में। इट डील विद एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, बायो ट्रांसफॉर्मेशन इन मेटाबॉलिज्म एंड एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग्स एंड देयर रिलेशनशिप ऑन द अनसेन ड्यूरेशन एंड इंटेंसिटी ODI ऑफ ड्रग इफेक्ट इन अराउंड एंड आउट ऑफ द बॉडी। तो ये है फार्मेकोकाइनेटिक्स। थेरापीटिक, इट इज़ द आर्ट एंड साइंस ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ डिजीजेज। ये क्या है? आर्ट एंड साइंस, ये आर्ट और साइंस है ट्रीटमेंट, इलाज है डिजीज की। कीमोथेरापी क्या है इसकी? इट डील विद द इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, इसमें हम स्टडी करते हैं ड्रग्स की इफेक्ट अपॉन माइक्रो ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग बैक्टीरिया, पैरासाइट एंड वायरसेस लिविंग एंड मल्टीप्लाइंग इन अ लिविंग बॉडी विदाउट डैमेज टू द होस्ट। उसकी टॉक्सिकोलॉजी, इट डील विद द एडवर्स इफेक्ट, ड्रग्स की जो एडवर्स इफेक्ट हैं उसे उसको हम स्टडी करते हैं। फार्माकोग्नोसी इसका क्या है? साइंस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। फार्मेसी इसका क्या है? साइंस विच डील विद द प्रिपरेशन। तो ये कुछ डिफिनेशन है, और ये हमने पढ़ा फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन, पर पोसोलॉजी की डिफिनेशन, पर क्लिनिकल फार्माकोलॉजी की डिफिनेशन, पर फार्माकोडायनेमिक्स और पर फार्माकोकाइनेटिक उसकी क्लासिफिकेशन, पर थेरापीटिक्स, पर केमोथेरापी, पर टॉक्सिकोलॉजी, पर फार्माकोग्नोसी एंड पर फार्मेसी। तो ये थी आज की लेक्चर नंबर 1 जनरल फार्माकोलॉजी की, जो कि हमने कुछ सादा से अल्फाज में उसकी डिफिनेशन डिस्कस किए। अल्लाह हाफिज़।